गिरनार आंदोलन के प्रवर्तक शपक मुनिराज श्री मेरुभूषण जी महाराज की यम संलेखना का आज 24वां दिन है। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री सम्मेद शिखर जी पर गुरुदेव की हालत दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही है। बिना किसी के सहारे के अब शपक मुनिराज का उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस स्थिति के बाद भी उनकी आत्म साधना दृढ़ बनी हुई है। सभी साधु संत उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं शपक मुनिराज के 24वें दिन की अपडेट। नौ फरवरी से यम संलेखना के साथ अपनी समता पूर्वक समाधि मरण की ओर अग्रसर शपक मुनिराज को आज पूरे 24 दिन हो चुके हैं। शाश्वत धरा श्री संवेद शिखर जी में विराजमान गुरुदेव की हालत अब और नाजुक हो गई है। बिना किसी सहारे के अब शपक मुनिराज का उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा है। इनकी समता, इनका धैर्य परम प्रशंसनीय है। ये निरंतर चार आराधनाओं की आराधना करने में लगे हुए हैं और उन महामुनिराजों का चिंतन कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में उत्तम प्रकार की संलेखना को धारण किया है। आचार्य वैरागनंदी महाराज जी प्रतिदिन मुनि महाराज छपकराज को संबोधन प्रदान किया करते हैं, उनकी वैयवती किया करते हैं। उनका सकल श्री संग उन मुनिराज इन छपकराज की वैयवती करने के लिए निरंतर प्रतिदिन आया करता है। उनकी दृढ़ आत्म साधना के संकल्प के साथ आइए आपको सुनाते हैं आचार्य श्री वैरागनंदी जी महाराज के भाव। 24वां दिन होने के बाद भी वो आराम से बैठे हैं और उनका चेहरा बिल्कुल सौम्य नॉर्मल वीतरागता चेहरे के ऊपर झलकती है और सब लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। सब लोगों के हित की भावना उनके अंदर बहुत भरी हुई है। ऐसे हमारे मेरुभूषण जी महाराज की सुसम्यक समाधि के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। विप्रण सागर जी और उनके संगत साधु लोग निरंतर हम लोग प्रयत्नशील हैं और ये समाधि सम्यक रूप से हो, ऐसे हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं। संघस्थ दिगंबर संतों का संघ छपक मुनिराज की सेवा में लीन है। छपक मुनिराज द्वारा आचार्य पद प्राप्त करने वाले आचार्य श्री विप्रण सागर जी महाराज ससंग उनके चरणों की सेवा में लीन रहकर उनकी तप साधना को नमन कर रहे हैं। जैन फोकस के लिए श्री संवेद शिखर जी झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार शपक मुनिराज अपने संकल्प और दृढ़ता पर अग्रसर होते हुए जैनागम का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। यम संलेखना से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल जैन फोकस।